गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फोर्थ में आपका पार्ट फोर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपका लेसन, आपका पार्ट का नाम है पापा जब बच्चे थे। बेटा, ये पार्ट है कि जब आप बच्चे थे, जब कोई भी बच्चा, कोई भी एडल्ट, कोई भी बड़ा आदमी बच्चा होता है, तो उसके बचपन में क्या सोच होती है और वो किसी भी काम काज को लेकर उसके बारे में क्या सोचता है और मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, तो ये पार्ट आपका उसी से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, पार्ट का नाम भी आपने देखा होगा कि उसी पर रखा गया, पापा जब बच्चे थे, मतलब जब हमारे पापा बच्चे थे तो वो किसी कार्य को लेकर कितने एक्साइटेड थे, कितना उनमें उत्तेजना थी उस कार्य को करने की, और वो हर काम के बारे में क्या सोचते थे और मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। तो ये पापा बताते हैं इस चैप्टर में कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो जब पापा, मतलब जब हमारे पापा छोटे थे, तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसे समझ नहीं होती है, वो सिर्फ अपने ही अकॉर्डिंग, अपने ही अनुसार सोचता है, अपनी ही सुविधा या अपनी ही इच्छाओं को रखते हुए वो सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, या मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, क्या मैं कोई बिजनेस करूँगा, तो ऐसे ही ये सोचते हैं। मगर उसका जवाब हर बार अलग होता था। वो हर बार किसी व्यक्ति को देख कर ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि नहीं, ये वाला काम बहुत अच्छा है, मुझे ये काम करना है, नहीं ये सब्जी वाला होना बहुत अच्छा है, चौकीदार होना बहुत अच्छा है, आइसक्रीम वाला बनना बहुत अच्छा है, इसमें फ्री में मैं भी खा सकता हूँ। तो वो अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्य को या अपने दूसरे काम को बताते थे कि मेरे लिए ये कार्य बहुत अच्छा रहेगा। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। देखिए, अब वो बच्चा क्या चाहता है कि वो शुरू में क्या बनना चाहता था, चौकीदार बनना चाहता था। क्यों? लेकिन उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि सब सो रहे हैं, सिर्फ वो ही चौकीदार ही जागा हुआ है। बेटा, आप सोचेंगे कि चौकीदार कौन होता है? चौकीदार होता है जो रात को शाम को सही हमारी गली के चक्कर लगाता है, और जो हमारे सामान होते हैं या हमारा घर होता है, वो चोरों से उसकी रक्षा की जा सके, उसको चौकीदार कहते हैं। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बचपन में शोर मचाने के लिए मना करते हैं, तेजी से मत बोलो, आराम से बोलो, धीरे से बातें करो। लेकिन क्या, बच्चों को तो शोर मचाना बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें ये बात बुरी भी लगती है कि बड़े लोग हमें इस चीज़ के लिए क्यों टोकते हैं। लेकिन तो क्या है, वह ये सोचता था जो बच्चा था कि जब मैं चौकीदार बन जाऊंगा सब सो जाएंगे, और मैं क्या खूब शोर मचा सकता हूँ गलियों में। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। उसको ये लगता है कि डेफिनेटली ये काम इतना अच्छा है कि मैं चौकीदार ही बनूंगा और मैं सारी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, जो मुझे बचपन में करने नहीं दी जाती, मुझे शोर नहीं मचाने दिया जाता, मुझे खेलने नहीं दिया जाता, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो बच्चा क्या अपनी सुविधा के अनुसार ही सोच रहा है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब देखो, बच्चे की जो सोच है वो कितनी जल्दी जल्दी चेंज होती है काम को लेकर। अब पहले तो वो चौकीदार बनना चाहते थे, लेकिन अब क्या चाहते हैं, वो एक आइसक्रीम वाला उन्होंने आता देख लिया, जिसका जो आइसक्रीम बॉक्स था वो बहुत ही अच्छा था, चटकदार हरे रंग का था। वो ठेले को लेकर आया तो पापा ने सोचा, नहीं भाई, मैं चौकीदार नहीं बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, आइसक्रीम वाला बनूंगा। लेकिन क्यों बनूंगा, अब आप देखिए क्यों बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। देखो, बच्चे का मन इसलिए ही बहुत कोमल भी होता है, और वो सिर्फ अहम केंद्रित होता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वो सोचता है कि देखो, एक तो आइसक्रीम लेके मैं इधर उधर भी घूम सकता हूँ क्योंकि मुझे घूमने नहीं दिया जाता, और दूसरी चीज़, मैं आइसक्रीम भी फ्री में खा सकता हूँ, जितनी मेरे मन करेगा मैं उतनी आइसक्रीम खाऊंगा। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, कि मैं एक आइसक्रीम तो मतलब बेचूंगा और एक आइसक्रीम खुद भी खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा,
तो अब क्या सोचते हैं कि छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, लेकिन क्योंकि अभी जीवन की असलियत का हकीकत को उन्हें पता नहीं कि पैसे जीवन में क्या अहमियत रखते हैं। अगर ऐसे ही वो सारी आइसक्रीम एक खुद खा लेंगे और एक बच्चे को खिला देंगे, फ्री में दे देंगे, तो उनके लिए क्या बचेगा, वो अपने घर परिवार के लिए क्या बचाएंगे। तो इसलिए कहते हैं बच्चे का मन बहुत ही चंचल और कोमल होता है, उसे नहीं पता इस समाज में रहने के लिए उसको किस किस चीज की या किन किन बातों की उसको जरूरत होती है, पैसा उसके लिए जीवन में कितनी अहमियत रखता है। ठीक है, जब पापा के माता पिता या सुना ने सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। अब कोई भी माँ बाप होंगे तो उनको सुनकर ये लगेगा कि हमारा बच्चा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है, पर क्यों, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, इतने इतने कार्य क्षेत्र है ना भाई, इतने अच्छे लेवल के हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वकील है, और बहुत सारे बिजनेस हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन आइसक्रीम वाले में ऐसा क्या है कि वो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। उन्हें यह बात सुनकर बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अब बच्चा है वो तो अपने ही अकॉर्डिंग सोच रहा है, तो उनके पापा मम्मी को लगा तो सुनकर बहुत अजीब, और वो अभी उन्होंने सोचा कि बच्चा नादान है, उसे नहीं पता, और वो बहुत जोर से हंसने लगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। अब वो किसी वजह से कहाँ गए होंगे, रेलवे स्टेशन गए होंगे, उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत ही अजीब सा था और वो क्या कर रहा था, जो इंजन के डिब्बे थे उनमें खेल रहा था, और वो असली नहीं, वो नकली नहीं थे, वो असली डिब्बे थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। अब पापा को तो ये लगता था कि सब ये जो काम चल रहा है दुनिया में, जितना भी है कोई भी कार्य प्रोफेशन है, उसको क्या लगता है कि ये तो सब खेल खेल रहे हैं और अपने मजे कर रहे हैं, उसको उस चीज का फायदा भी होता है। जैसे आइसक्रीम वालों को लग रहा था कि तो फ्री में आइसक्रीम खा सकता है। अब चौकीदार का लग रहा था कि भाई भाई ये तो जागता है, सबको सब सो जाते हैं तो ये शोर मचा सकता है ना। पापा ने पूछा यह कौन है, उन्होंने उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। अब पापा ने पूछा कि भाई ये आदमी इधर से उधर जा रहा है, कभी प्लेटफॉर्म पर रहा है, कभी रेल के डिब्बों में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति ने बताया जो रेलवे स्टेशन पर था, कि ये शंटिंग कर रहा है। अब पापा को तो ये शब्द बड़ा ही अजीब लगा, शंटिंग किसे कहते हैं। शंटिंग का मतलब बताया गया जब रेलगाड़ी को पूरी यात्रा कर आ जाती है तो वो रुकती है ना किसी कार्य को करने के लिए। अब देखिए बेटा, कोई भी वाहन चल रहा है तो वो रुकेगा तो, और उसमें ईंधन पानी उसकी साफ सफाई तो की जाती है ना, उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना, कि वो दूसरी यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उसमें क्या साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है ना, तो ये सब चीजें तो जरूरत की होती हैं, क्योंकि यात्रा अगर लंबी होगी तो ये सब सामान की जरूरत पड़ेगी, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया कि इसी कार्य को क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब देखिए बच्चे का मन कितना चंचल है, एक ही चीज पर नहीं स्थिर होता। अब उसने सोचा कि भाई भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, वो तो अब मैं तो क्या है, मैं तो शंटिंग ही करूंगा रेल के डिब्बों की, इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम को क्या होगा, का क्या होगा। अब उनसे किसी के घर वालों ने पूछ लिया कि भाई कल तो आप ये कह रहे थे कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, लेकिन आज क्या हुआ, आज आप कह रहे हो मैं शंटिंग वाला बनूंगा, तो रोज रोज ऐसी बातें क्यों आप बदल रहे हो। यह सचमुच समस्या थी, पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्हें रास्ता निकाल लिया,
पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब बच्चे को नहीं पता कि दो दो कार्य नहीं हो सकते हैं, वो इतना चंचल है, उसने सोचा कि दोनों ही कार्य मेरे लिए बहुत अच्छे हैं कि वो आइसक्रीम के ठेले को भी नहीं भूल सकते क्योंकि उन्हें आइसक्रीम भी खानी थी और वो ठेला इतना सुंदर लगता था उन्हें, और दूसरी चीज वो शंटिंग करने वाला भी बनना चाहते थे। चलिए बच्चों, आज मैं आपको इतना ही चैप्टर पढ़ाऊंगी, आप भी इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करिएगा। धन्यवाद।